दूसरी खबर का रुख करते हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर देखने के बाद केंद्र सरकार की कोविड वैक्सीन नीति को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष के नेता सरकार से लगातार पूछ रहे हैं कि देश की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी। ITV नेटवर्क भी लगातार वैक्सीन नीति की खामियों को उजागर कर रहा है, चाहे वो वैक्सीन की कीमत को लेकर हो या फिर मुश्किल वक्त में वैक्सीन का दूसरे देशों में भेजा जाना। ITV नेटवर्क कोविड वैक्सीन को लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा कर रहा है। अप्रैल और मई में जब पूरा देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर झेल रहा था, उस दौरान भी भारत से दूसरे देशों को कोरोना वैक्सीन का निर्यात किया गया। 23 अप्रैल से 29 मई तक 18 लाख वैक्सीन 18 देशों को निर्यात की गई। इससे पहले भारत 79 देशों को 6,37,00,000 वैक्सीन निर्यात कर चुका था। ये वैक्सीन ग्रांट यानी मदद, कमर्शियल यानी बिक्री और दुनिया भर में गरीब देशों को वैक्सीन मुहैया कराने के लिए शुरू की गई। इस पहल कोवैक्स के तहत भेजी गई है और आपको बता दें कि चौंकाने वाली बात यह है कि केंद्र ने कहा कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वैक्सीन एक्सपोर्ट को लेकर कोई कमेटी बनाई गई। सरकार के मुताबिक ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे यह पता चले कि दूसरी लहर से बने इतने मुश्किल हालात के दौरान भी किसने वैक्सीन निर्यात करने का फैसला लिया था। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में एक मेहमान जुड़ रहे हैं, साथ ही मेरी सहयोगी उर्वशी खुना भी जुड़ रही हैं। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं RTI एक्टिविस्ट प्रफुल्ल सारडा। इससे पहले कि हम प्रफुल्ल जी के पास में चले, उर्वशी, ये क्या दर्शाती है रिपोर्ट और साथ ही साथ ग्राउंड सिचुएशन क्या है, जो डिफरेंस है डिमांड एंड सप्लाई का वैक्सीन को लेकर इंडिया में? जाहिर सी बात है कि करोड़ों वैक्सीन बाहर भेजना ये देश के लिए काफी ज्यादा हानिकारक साबित हो रहा है। जी बिल्कुल, अगर हम रेशियो देखें, जिस प्रकार से बाहर जिस तरह से एक्सपोर्ट हुआ और घर में ही यानी कि देश में ही जब वैक्सीनेशन की किल्लत है, वो भी इतनी भारी मात्रा में कि अलग अलग जगहों पे एवरीडे हम ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन से ये सुनते हैं कि आज वैक्सीनेशन ड्राइव बंद होगा क्योंकि वैक्सीनेशन के डोसेजेस अवेलेबल नहीं है। ऐसे में कई सवाल खड़े उठते हैं कि जब खुद देश में वैक्सीन नहीं है तो कितने लेवल पर ये पॉसिबल है, लीगल है, और कितना ये हर फ्रेमवर्क में, मॉरल फ्रेमवर्क में भी बैठता है कि हम वैक्सीन एक्सपोर्ट करें। और साथ ही मैं ये बताना चाहूंगी कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने लगातार सेंटर को रेप्रिमांड वैक्सीन पॉलिसीज को लेकर, क्योंकि कोई कॉन्क्रीट पॉलिसीज कौन से लेवल तक या कौन सी मात्रा तक एक्सपोर्ट अलाउड है, वो कहीं पे बाहर अब तक आई नहीं। ऋषि, आप बने रहिए हमारे साथ में। दूसरे गेस्ट प्रफुल्ल सारडा जुड़ गए हैं, RTI एक्टिविस्ट हैं। प्रफुल्ल जी, आपने क्या कोई RTI डाली है, क्या उस पर कोई रिस्पांस मिला है या फिर रिस्पांस मिलकर भी नहीं मिला है? देखिए, मैंने RTI किया था जिसमें मुझे कोविड वैक्सीनेशन जो कोविड-19 वैक्सीनेशन एक्सपोर्ट के बारे में, इम्पोर्ट के बारे में, उस के रिलेटेड जो मीटिंग्स हुई है, मीटिंग्स के मिनट्स, एजेंडा और किन देशों को की गई है, क्या रेट में एक्सपोर्ट किए गए हैं और इसके आगे भी इनका कुछ प्लानिंग है क्या, और प्लस मैंने ये भी जानने की कोशिश की कि इस पूरे प्रोसेस में कौन सा वो व्यक्ति था या कौन सी वो कमिटी थी जो जिन्होंने इस सब का ओवरव्यू लिया या इसको मॉनिटर किया। लेकिन देखिए, जो मुझे आंकड़े जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए और जो इन्फॉर्मेशन दी है वो काफी चौंकाने वाली है। इसमें गवर्नमेंट का कहना है कि इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट को लेके ऐसे कोई भी मीटिंग्स या मिनट्स या उसके लिए जो एजेंडा बनाया गया, ऐसी कोई कमिटी है नहीं, और अगर होगी तो उसके कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। मैं आपको एक बात और भी नोटिस में लाके देना चाहूंगा कि अभी तक लगभग हमने 7 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की है, उसमें से वसुदेव कुटुंबकम जो हम नारा लगाते हैं उसके अंतर्गत 2 करोड़ किए हैं जो कोवैक्स का नॉर्म है, तो चलो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने लगभग हमने चार करोड़ वैक्सीन जो है वो एक्सपोर्ट किए हैं, उसमें से 70 लाख तो कमर्शियल बेस पे सिर्फ बांग्लादेश को की और 30 लाख ग्रांट के तौर पे, मतलब 1 करोड़ वैक्सीन जो है वो हमने सिर्फ बांग्लादेश को दी है। अब UK जैसा प्रगत देश है, हमने उसको भी 50 लाख वैक्सीन दी है। ये हो क्या रहा है कि हमारे देश में अपने लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है और हम लोग पूरी दुनिया में बांटते फिर रहे हैं, और सेकेंड वेव में जो सबसे ज्यादा जो जीवित हानि या जो वित्त हानि जो हुई है वो कोविड के वैक्सीन ना मिलने की वजह से हुई है। तो मैं ये सोच के हैरान हूँ कि जब हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स
और फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जब तीनों इन्वॉल्व होती है तभी इतनी बड़ी मात्रा में जो है वो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट किया जाता है। सरला जी, क्या ये जो नंबर्स आप बता रहे हैं इसमें आप थोड़ा सा फाइन ट्यून करके बताएंगे, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गावी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत सभी देशों को जो कि वैक्सीन प्रोड्यूस कर रही हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर शेयर भी करना पड़ेगा, उन्हें भेजना पड़ेगा ही, कितने नंबर्स की वहां पर जरूरत थी, क्या भारत ने जितनी गावी के तहत जो वैक्सीन हमें बाहर देनी थी अंतर्राष्ट्रीय गावी ऑर्गेनाइजेशन को, क्या हमने उससे ज्यादा दी है, उससे कम दी है, उतनी दी है? जी देखिए, मैं जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि कोवैक्स यानी कि वो गावी के अंडर ही आता है, दैट इज कोविड 19 वैक्सीनेशन ग्लोबल प्रोग्राम, तो उसके तहत हमने 2 करोड़ वैक्सीन दे दी है। मतलब हमारी जिम्मेदारी उसको जो लेके थी वो पूरी हो चुकी है, अभी हमें देश के अंदर के अपने जो सिटीजन है हमको उनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी मेरे को उसमें हमने कमर्शियल बेसिस पे 4 करोड़ कर दी है, ग्रांट के तौर पे 1 करोड़ कर दिया है। तो हम अगर ये 5 करोड़ वैक्सीन अगर हम लोग बचा सकते थे जी, तो हम हमारे देशवासियों को पहले देते थे। और इसका जो खामियाजा जो भुगतना पड़ा है हमारे देशवासियों को पिछले 2-2.5 महीनों में, जो सेकंड वेव कोविड में इतनी जाने गई है, जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे, ऐसे कई नगरों उपनगरों में कोविड का संक्रमण बढ़ता गया, तो उसमें वैक्सीन जो है ये काफी कारगर सिद्ध हो सकती थी, लेकिन हम लोग एक्सपोर्ट के पीछे लगे थे। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कमिटी फॉर्मेशन, कमिटी चेयरपर्सन या किसी को डिस्कस करके ये किया गया, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो क्या ये सिर्फ बातें सिर्फ हवा में हुई थी कि जैसे आज मान लीजिए कि मैं कोई मिनिस्टर हूं? बिल्कुल बिल्कुल प्रफुल्ल जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और ये चूक तो हुई है, जाहिर सी बात है। किसने की है, कब की है, कितने की है, इसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, जाहिर सी बात है कि जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा। सॉरी प्रफुल्ल जी, वी हैव रन आउट ऑफ टाइम, आज के लिए फिलहाल इतना ही, हम वापस आपके पास आएंगे और इस मुद्दे को और चर्चा के लिए आगे बढ़ाएंगे। उर्वशी, प्रफुल्ल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और इस मुद्दे पर बातचीत की। एक दूसरे खबर पर नजर डाल लेते हैं। हिंद महासागर में चीन से मिल रही चुनौतियों के बीच रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 6 नई स्टेल्थ पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी दे दी।